मैंने इस बिग बिलियन डे सेल में एक स्मार्टफोन लिया है जो कि है ये रियलमी का P1 5G। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये फ़ोन कैसा है और क्या आपको ये फ़ोन इस बिग बिलियन डे में लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं। ये फ़ोन मैंने ऑफलाइन से ख़रीदा है, इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन कैसा है चलिए इस फ़ोन में देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि इसमें डायमेंसिटी 7050 5G चिपसेट दिया गया है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और 45 वॉट का चार्जर दिया गया है 5000 बैटरी के साथ में। और यहाँ लिखा हुआ है रेन वाटर स्मार्ट टच, अगर बारिश की बूंदें अगर थोड़ा बहुत पड़ती है फिर भी ये मोबाइल अच्छे तरीक़ा से काम करेगा। इसका बॉक्स आप देख सकते हैं कि सामने से कुछ ऐसा है और इस साइड से रियलमी P1 5G लिखा हुआ है, इस साइड कुछ जॉइंट टूअस ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है रियलमी। और इस साइड में देख ले तो यहाँ पे प्राइस और पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसका प्राइस लिखा हुआ है MRP 21,000 रुपये और यह अभी सेल में मिल रहा है 14,000। अगर आपके पास कार्ड है तो आप इसको 13,000 में ले सकते हैं, तो 13,000 में ये काफ़ी अच्छा डील है। चलिए अब बॉक्स को खोल लेते हैं। ये खुल जा, चलो खुल गया। और यहाँ पे लिखा हुआ मेक इट रियल, यहाँ से हम निकालते हैं इसको, इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। इधर से खुलेगा, यहाँ पे एक कवर दिया गया है ट्रांसपेरेंट कवर और ये कुछ पुस्तकें दी गई है, क्विक गाइड और यहाँ पे रियल मी सेफ्टी गाइड ये सब दिया हुआ है। इसको साइड में रख देते हैं, ये केस है इसको साइड कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाता है फाइनली हमारा रियलमी P1 5G फ़ोन और इसमें दिया हुआ है एक चार्जर है जो कि 45 वॉट का चार्जर है जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक केबल है, केबल हम निकाल करके देख लेते हैं। केबल आप देख सकते हैं USB टाइप सी टू ए केबल दिया गया है। और फाइनली हम अपना फ़ोन देख लेते हैं, इस फोन साइड में रख लेते हैं। और ये रहा हमारा फ़ोन, पीछे से कुछ ऐसा लुक है इसका, डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने इसको बूट और सेटअप कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा दिया गया है। पीछे प्लास्टिक बैक है और नीचे एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, एक स्पीकर ग्रिल है। इसमें डुअल स्पीकर दिया गया है जो कि इसको और ख़ास बना देता है। इस प्राइस रेंज में डुअल स्पीकर और विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, इस प्राइस रेंज में ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। आप इसमें देख सकते हैं इतने प्री इंस्टॉल ऐप मिलते हैं जो कि आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स। और यहाँ पर बहुत सारी ऐप दिया गया है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। इस फ़ोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जो कि सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो। और इसमें दो दो स्पीकर दिया गया है, ये देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज पर इसका डिस्प्ले काफ़ी इम्प्रेसिव दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की। तो इस फ़ोन का कैमरा में कॉस्ट कटिंग किया गया है, इसमें 50+2MP का कैमरा दिया गया है, पर यहाँ पे ऐसे लगाया गया है जैसे लगता है इसमें चार कैमरा है, पर असलियत में इसमें दो ही कैमरा है। 50MP का कैमरा है, इस हिसाब से डिटेल कुछ ख़ास नहीं है, पर इस प्राइस रेंज में ऐसा ही कैमरा मिलता है। और आगे का इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है जो कि ठीक ठाक है। इस फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है जो कि काफ़ी फास्ट है, देख सकते हैं लगाते ही खुल जाता है। और फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड 14 मिल जाता है और आगे आपको 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। इसमें 6GB रैम दिया गया है जिसको आप 6GB तक और एक्सपांड कर सकते हैं। अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh का बैटरी और 45 वॉट का चार्जर दिया गया है
जो कि आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे देगा। और लास्ट में बात करते हैं कि ये फ़ोन मुझको कितने में मिला, तो ये मुझको ऑफलाइन में 14,000 का मिला है, क्योंकि वो लोग डेबिट कार्ड का डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो 14,000 में भी ये फ़ोन ठीक है, एमोलेड डिस्प्ले है, डुअल स्पीकर है और भी बहुत कुछ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।